एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है और आज हम ओ माय पास लव इज अ रोमांस बुक का पार्ट 8 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सभी लोग मियावी को बचाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। काजुमी नामी को इस सूबे के प्रेसिडेंट के लिए इंट्रोडक्शन नोट लिखने के लिए कहती है। नामी इस काम को पाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से ही ईरान गर्ल से ज़्यादा कुछ और बनना चाहती थी, जैसे कि एडिटर। नामी इस बारे में चिन को बताती है, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी कानासावा की स्वीट्स पर जाती है। नामी कहती है, मेरा मन था कानासावा जाने का। ये सुनकर जिन सोचता है, क्यों ना मैं नामी को अपनी फैमिली से मिलवाऊं। जिन ट्रैवल बुक को देखने लगता है, उसमें से एक पेपर गिरता है। उस पेपर पर नामी की विशेष लिखी होती है। उस पेपर को पढ़ के जिन को पता चलता है कि नामी क्या क्या करना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मियावी की रेपुटेशन को बिगाड़ने के लिए कोई नामी और रेको की फोटो पेपर में छापते हैं और लिखता है कि रेको अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके अपनी बेचारी असिस्टेंट को तंग कर रही है। पूरा ऑफिस इस बात से परेशान हो जाता है। हांडा कहता है, नामी कहीं तुमने ही तो ये खबर नहीं लीक करी। नामी कहती है, माना रेको थोड़ी अकड़ू है, लेकिन मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। नाकासावा कहता है, अभी ये जरूरी नहीं है कि किसने ये किया, अभी हमें इस सोबे और कोच को अपने साथ बिजनेस करने के लिए बनाए रखना है। रेको को इस न्यूज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इस सोबे के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाती है। प्रेसिडेंट उनसे पूछता है, क्या ये प्रोजेक्ट पर काम करना ठीक होगा? मेरे वर्कर्स इस प्रोजेक्ट के लिए ना कर रहे हैं और इस न्यूज़ के बाद तो मुझे लगता है हमारा काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि उस सूबे का प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर श्योर नहीं होता, तो मियावी को प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है। नामी नाकाजावा को रिजेक्ट कर देती है और प्रेसिडेंट के लिए थैंक यू बोलती है। नाकाजावा कहता है, मैंने वो सब मजाक में कहा था, तुम मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। नामी कुछ कहती नहीं है और चली जाती है। हारुको ये सब देख लेती है और अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करती है। वो नाकाजावा से कहती है, आपको कोई अच्छी मूवीज पता है जो दिल टूटने के बाद देख सकते हैं? जुन नामी की विशेष को पूरा करने का ठान लेता है। वो उसकी पहली विश पूरी करता है, जो है साइकिलिंग करना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जिन साइकिल पर नामी को लेने के लिए जाता है, लेकिन नामी बैठने से मना कर देती है क्योंकि टू पीपल एक साइकिल पर अलाउड नहीं होते हैं। नामी कहती है, अगर मैं साइकिल पर बैठी तो हम दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जिन कहता है, अच्छा तो मैं घर जाकर तुम्हें फोन करूंगा, तुम मुझसे बात करना। नामी मन ही मन कहती है, ये मुझसे ऐसे भी तो बात कर सकता था। जिन नामी को फोन करता है और पूछता है, क्या सब ठीक चल रहा है? नामी कहती है, नहीं अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है वर्क प्लेस पर। जिन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम डिपार्टमेंट से दूर नहीं होना चाहती तो तुम इसी वजह से परेशान हो। अगले दिन नामी और हांडा इसोबे के प्रेसिडेंट को मनाने के लिए जाते हैं। हांडा कहता है, वो आर्टिकल बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि रेको तो मदर टेरेसा की तरह है। लेकिन नामी हांडा की बात में हाँ नहीं भरती है। प्रेसिडेंट कहता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तभी वहाँ पर रेको आती है। नामी रेको को देखकर उसको ही गलती के लिए ब्लेम करने लगती है। इससे रेको को भी गुस्सा आता है और वो नामी की बेइज्जती करने लगती है। दोनों को यूं लड़ता देखकर प्रेसिडेंट को हंसी आ जाती है। प्रेसिडेंट उन्हें लड़ने से रोकता है और कहता है, शायद मैं एक बार फिर से आप लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ। रेको नामी से कहती है, तुमने जानबूझकर मुझसे लड़ाई करी थी ना? नामी कहती है, हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो प्रेसिडेंट को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता चलता? हमारी लड़ाई से उन्हें समझ आ गया होगा कि आप खड़ूस टाइप के इंसान हो और आपका और मेरा रिलेशन ऐसा ही है। रेको नामी की बात सुनकर नामी के लिए प्राउड फील करती है। प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू हो जाता है। कंपनी को कैमरामैन की जरूरत होती है, तो नाकाजावा नामी से कहता है, क्यों ना तुम अपने कैमरामैन बॉयफ्रेंड को फोटोशूट के लिए पूछो। नामी जुन से पूछती है। जुन आने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट होता है।
इसके बाद वो अपने डैड का बिजनेस संभालने वाला होता है। चुन फोटोशूट के लिए आता है। रेको चुन को देखकर बोलती है, किसने सोचा था कि हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। चुन कहता है, हाँ सिस्टर। चुन के मुंह से सिस्टर सुनकर सब लोग कहते हैं, क्या? तब चुन बताता है कि रेको मेरी बड़ी बहन है। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। शूट अच्छे से हो जाता है। चुन नामी को रेको से फिर से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन इस बार एज अ रियल गर्लफ्रेंड। रेको कुछ ज्यादा कहती नहीं है और चली जाती है। नामी कहती है, अचानक से क्या हुआ? चुन कहता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। नामी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नाकाजावा चुन से मिलता है। चुन उसे कहता है, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी ना, क्या प्यार का नाम हारना या जीतना है? आज मुझे समझ आ गया कि प्यार का नाम यही है। चुन की बात सुनकर नाकाजावा हंसता है और कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। चुन भी कहता है, ठीक है देख लेते हैं। ऑफिस में रिसिप्ट को लेकर कुछ बात चल रही होती है, तभी हांडा कहता है, मेरे पास भी कुछ रिसिप्ट है। निकालते समय वो रिसिप्ट को गिरा देता है। नाकाजावा उनमें से एक उठा लेता है, जिस पर शिनपुन कंपनी का नाम लिखा होता है। हांडा बताता है कि थोड़े दिन पहले उसे एक आदमी मिला था, मैं ड्रंक था और मैंने उसे बहुत सारी बातें करी। नाकाजावा कहता है, क्या आपने उसे चीफ एडिटर के बारे में कुछ बुरा भी कहा था क्या? हांडा कहता है, शायद। वो कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तब नाकाजावा बताता है कि शिनपुन ने ही रेको के बारे में आर्टिकल छापा है। सभी लोग हांडा को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगते हैं। चुन रियो से उसके मेडिकल रिजल्ट के बारे में पूछता है। रियो उसे झूठ बोलती है कि उसके हाथ जल्द ही ठीक हो जाएंगे। चुन उसके बात पर विश्वास भी कर लेता है। मियावी का थर्ड वॉल्यूम और लोशन मार्केट में सेल के लिए तैयार होते हैं। अब मियावी की किस्मत इस सेल पर ही टिकी होती है। मैगजीन और लोशन की सेल काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो सबको ऐसा लगता है कि मियावी अब बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और मियावी को डिसकंटिन्यू करने का फैसला होता है। नामी ये सुनकर रेको से मिलने जाती है और कहती है, मर्ज के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ ही काम करना चाहती हूँ। रेको इस पर कहती है, नामी तुमने मुझसे कहा था कि फैशन लोगों को ड्रीम देता है, तो तुम्हें जिसको प्यार करना चाहिए वो है ये जॉब, ना कि मैं। नामी और जन डेट के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। नामी को जिन की पॉकेट से अपनी विशलिस्ट मिलती है, तब उसे समझ आता है कि जिन वो सब क्यों कर रहा था। नामी इस बात से बहुत खुश होती है कि उसे जिन जितना अच्छा लड़का मिला। रेको अपने राइवल से मिलने जाती है। वो रेको को कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी मियावी को बचा सकती हो डिसकंटिन्यू होने से, बस तुम्हें इसके लिए चीफ एडिटर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा। रेको मियावी को बचाने के लिए अपनी पोस्ट से रिजाइन भी दे देती है, क्योंकि उसके लिए मियावी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो जानती है कि उसका डिपार्टमेंट मियावी का नाम कभी भी खराब नहीं होने देगा। मियावी तो बच जाती है, लेकिन मर्जर फिर भी होता है। अब मियावी को नई कंपनी के साथ मिला दिया जाता है। हांडा सबको बता देता है कि मियावी ने सर्वाइव कर लिया। नामी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। चुन नामी को स्केट करने के लिए पूछता है, जो कि नामी की विश होती है, तो नामी उसे मना नहीं करती है। चुन रिंक में नामी को फ्लावर देता है और उसे किस करके पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपने साथ कानासावा लेकर जाना चाहता हूँ। इसी प्रपोजल के साथ हमारे पार्ट 8 की एंडिंग होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू।